रायबरेली जनपद के सलोन कोतवाली में अवैध पेड़ों की कटान की सूचना पर सीओ सलोन ने पुलिस बल के साथ छापेमारी करते हुए लाखों रुपए की कीमत के बेशकीमती लकड़ी बरामद की। छापेमारी के दौरान लकड़ी माफिया मौके से भाग निकले, जबकि एक घर के अंदर छुपाए गए औजार को सलोन पुलिस ने जब्त कर लिया है। सीओ सलोन ने थाना अध्यक्ष सलोन को लकड़ी पुलिस कस्टडी में लेने के साथ साथ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग के लोगों की मिलीभगत से 5 दिनों से अवैध पेड़ों की कटान चल रही है। सलोन कोतवाली क्षेत्र के सलोन देहात स्थित तेराहू गांव में एक बाग के अंदर हरे महुआ के पेड़ों की कटान बदस्तूर जारी थी। ग्रामीणों की सूचना पर क्षेत्राधिकारी सलोन इंद्रपाल सिंह भारी पुलिस बल के साथ महुआ के बाग में छापेमारी करने पहुंच गए। वहीं पुलिस को देखते ही देखते वन माफिया झाड़ियों के रास्ते भाग निकले। पुलिस ने मौके से 18 बोटा महुआ की लकड़ी, 2 आरा कुल्हाड़ी रस्सा बरामद किया है, जबकि 2 हरे महुआ के पेड़ काट कर उसके बोटे बनाए जा रहे थे। ग्रामीणों की माने तो 5 दिनों से बाग में वन तस्करों द्वारा इलेक्ट्रिक कटर से हरे पेड़ों की कटान चल रही थी। शनिवार की सुबह एक ट्रक और 2 पिकअप गाड़ी महुआ की लकड़ी लोड कराकर निकली है। जानकारी के मुताबिक विगत 1 सप्ताह के अंदर क्षेत्र के बरवालिया, केमुपुर, सिरसिरा, कुम्हारन कपूरवा समेत में तेराहो गांव में लगभग 0.5 सैकड़ा हरे महुआ के पेड़ लकड़ी माफियाओं द्वारा काटे गए हैं। वहीं वन रेंजर नागेंद्र पटेल ने बताया कि 16-17 हरे महुआ के पेड़ वन माफियाओं ने काटे हैं। उन्हें अवैध पेड़ काटने की सूचना नहीं थी। वहीं सीओ सलोन इंद्रपाल सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर ऊंचाहार रोड तेराहो गांव में छापेमारी की गई है, जिसमें 18 हरे महुआ के पेड़ काटे गए हैं। पेड़ों को जब्त करने के निर्देश के साथ संबंधित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का निर्देश थाना अध्यक्ष सलोन को दिया गया है। जनसेतु के लिए रायबरेली से सुधीर अग्निहोत्री की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या नाम? नाम। किसका पेड़ है ये पेड़? हमें पेड़ किसका है? कौन कटवा रहा है? किससे पूछ के कटवा रहे? कोई है? आप लोग ठेकेदार हैं कि लेबर हैं? लेबर है। लेबर है। कब से काम चल रहा है? बाग उजाड़ने का काम कब से चल रहा है इधर? आज 5वां दिन है। 5वां दिन है। 5 दिन से लगातार काम चल रहा है? चल रहा है। सर, कोतवाली क्षेत्र के सलोन देहात स्थित तेराहो गांव में एक बाग में पेड़ काटने की सूचना है। क्या है पूरा प्रकरण? कितने पेड़ कटे हुए हैं? आज दिनांक 13 फरवरी 2021 को प्राप्त सूचना के आधार पर मैं यहाँ मौके पर आया हूँ। थाना पुलिस सलोन मौजूद है। यहाँ मौके पर देखा गया तो 18 पेड़ कटे हुए हैं, जिनके 50 बोटे हैं जो जगह जगह कटे हुए पड़े हुए हैं। इस जो भी जिसने पेड़ काटे हैं उसका पता किया जा रहा है। मौके से औजार भी प्राप्त हुए हैं और इसमें जो भी कठोर कार्रवाई करनी होगी कार्रवाई की जाएगी। सर, विगत कई हफ्ते करीब एक डेढ़ हफ्ते से काफ़ी पेड़ काटे गए हैं, इसमें वन विभाग का क्या इसमें वो है? क्योंकि वो बिल्कुल इस ओर नहीं ध्यान दे रहे हैं, उनको कहते हैं हमको जानकारी ही नहीं। वन विभाग की जिम्मेदारी है, वन विभाग इससे इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब जैसा भी होगा इसमें मैं कार्रवाई कर रहा हूँ और चटकारियों को रिपोर्ट दी जाएगी। थैंक यू सर।